गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने औपचारिक पत्रों का प्रारूप देखा था। आज की वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र जानेंगे कि कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, छोटे भाई बहन आदि को लिखते हैं, वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखते हैं ये किस तरह लिखे जाएंगे। सबसे पहले भेजने वाले का पता, आप जहाँ से भी पत्र लिख रहे हैं अपना यहाँ पर पता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, संबोधन, अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी, अभिवादन, सादर चरण स्पर्श या नमस्कार, जो भी आप अभिवादन उनको करना चाहते हैं। फिर पत्र के विषय सामग्री, पत्र में आप क्या लिखना चाहते हैं। मानो आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि आशा करता हूँ, मैं यहाँ कुशल रहते हुए आशा करता हूँ आप सब भी वहाँ कुशल होंगे, और आप जिस ज़रूरत के लिए पत्र लिख रहे हैं आप अपनी वो बात इस पत्र की सामग्री में लिखेंगे। अंत में यथायोग्य अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, स्वनिर्देश, माने जैसे अगर आप पुत्र के रूप में लिख रहे हैं आपका पुत्र, और अपना नाम लिखते हुए पत्र को समाप्त करेंगे। इस तरह ये हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। इसमें चाहे अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को, पिता को, माता जी को, किसी को भी, तो आप यहाँ पर पता, दिनांक, संबोधन, अपने रिश्ते के हिसाब से, आप जिसको भी संबंधित, छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे, बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय या पूजनीय लिखेंगे, फिर अभिवादन, छोटों को स्नेह और बड़ों को नमस्कार या चरण स्पर्श, कुछ भी। उसके बाद आप पत्र की सामग्री लिखते हुए यहाँ पर छोटे या बड़े जिसको भी लिख रहे हैं उसके यथायोग्य अभिवादन लिखते हुए अपना उनसे संबंध और अपना नाम लिखते हुए पत्र का अंत करेंगे। थैंक यू।